प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये सामान लेकर अंदर कहाँ जा रही तू? सोसाइटी के अंदर। ये सामान लेकर तू सोसाइटी के अंदर नहीं जा सकती है। क्यों? अरे क्यों क्या, ये सामान तो मैं भी बेच रहा हूँ। अगर तू ये बेचेगी तो मेरा धंधा चौपड़ हो जाएगा ना। तुम जानो और तुम्हारा धंधा जानो, मैं तो अंदर जाने वाली हूँ। तू अंदर नहीं जा सकती है। अरे मैं ले जाऊँ के मला। अरे अब्दुल किसके साथ झगड़ा कर रहे हैं? चल चल चल। अब्दुल भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा? देखो ना साहब, ये अब्दुल मेरे को सोसाइटी के अंदर नहीं जाने देते। अब्दुल इसे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा? अरे बेटे साहब देखो ना, ये सब्जी के साथ खेल के सामान भी बेच रही है, ये सामान मैं भी बेच रहा हूँ, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा ना। तो मैं क्या करूँ, मैं तो ये सामान बेचूंगी। अच्छा तो ठीक है, कल से सब्जी मैं भी बेचता हूँ, देखते हैं सोसाइटी में तेरी सब्जी कौन खरीदता है। अरे देवा, ओ सेक्रेटरी साहब, आप तो कुछ समझो ना ये अब्दुल को। अरे देवा, मैं क्या समझा सकता हूँ, ये सोसाइटी का मैटर नहीं है ना, आप आपस में बात कर लो। अरे सेक्रेटरी ने बोला नहीं जाने का मतलब नहीं जाने का। नहीं जाने का, देखो अंदर जाने का देगा बस। एक मिनट, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। दोनों अगर एक दूसरे का सामान बेचोगे तो दोनों का नुकसान हो जाएगा। एक काम करो भाई, आप जो है ना ये खेल कूद का सारा सामान बेचने का जो आइडिया है उसको कैंसिल कर दो। और अब्दुल तू ये जो तेरा भाजी बेचने का आइडिया है उसको कैंसिल कर दे, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे मंजूर है, इसे पूछो। लेकिन साहब ये सब मेरा सामान। तो एक काम करो, ये जितना भी सामान है ना ये मुझे मुद्दत भाव में मुझे दे दो, मैं ले लेता हूँ, है ना। लाओ लाओ लाओ, करके लाओ। वाह ये अच्छा है, क्या बात है, तो आश्चर्य की बात हो गई पोपटलाल। क्या है, हमेशा तुम्हारे कैंसिल बोलने से झगड़ा होता है, लेकिन इस बार तुम्हारा कैंसिल बोलने से झगड़ा सुलझ गया। वेरी गुड अप्रतिम। थैंक यू। तुम्हें अच्छा लगा ना? अरे मुझे। चलो इसी बात पे आज मुझे मिसल पाव खिलाओ। मैं खिलाऊं? अरे नहीं अभी नहीं, क्योंकि मुझे बैंक जाना है। तो बैंक के पास ही तो है मिसल वाला। आओ जल्दी जल्दी चलते अभी सब्जी भेजो। अनीता 4 किलो दूध ही दो। 4 किलो? अरे दया भाभी, 4 किलो दूधी? दूधी का हलवा बनाने का इरादा है क्या? हाँ बबीता जी, आपने सही पहचाना। क्या है, टप्पू को दूधी का हलवा बहुत पसंद है, तो आज मैं दूधी का हलवा बनाने वाली हूँ। और मेरी माँ कहती है कि गर्मी में दूधी खाने से शरीर में राहत मिलती है। आप सबको भेजूंगी मैं टेस्ट करने के लिए। ओके, थैंक यू दया भाभी। मैं भी सोनू के लिए पूरन पोली बनाने वाली हूँ, तो आप सबको भी भेजूंगी। हाँ थैंक यू। वैसे एक बात तो है, हाँ जब से बच्चों की एग्जाम्स खत्म हुई है आप सब एकदम रिलैक्स हो गए हो। जब स्कूल चालू होती है ना तो बच्चों के साथ साथ सारे पेरेंट्स टेंशन में होते हैं। तारी बात तद्दन साची छे बबीता। अरे आप लोगों का टेंशन कम हो गया होगा, मेरा टेंशन तो वेकेशन में डबल हो जाता है। ऐसा क्यों कोमल भाभी? अरे गोली को हर रोज नाश्ते में कुछ न कुछ नया चाहिए होता है, सुबह होते ही किचन में अटैक कर देता है। स्कूल जब तक चालू थी ना तब तक तो वो खाने पे कंट्रोल रखता था, अभी वेकेशंस में तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अरे मुझे हर रोज नाश्ते का स्टॉक डबल करना पड़ रहा है।
गोली भी ना बच्चा है। अरे कोमल भाभी, तो फिर आपको हाथी भाई की कमी तो महसूस होती नहीं होगी। हाँ बस मुझे तो सोनू की चिंता लगी रहती है। इस बार उसने बहुत अच्छी मेहनत की है, बस वो अच्छे ग्रेड से पास हो जाए। माधवी भाभी, इस मामले में मैं सिर्फ एक चीज कह सकती हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है सोनू बहुत ब्राइट स्टूडेंट है और पूरी स्कूल में नंबर वन आएगी वो। लड़की है आपकी। अरे हाँ, इस बार मैंने और अय्यर ने टप्पू सेना को ना बास्केटबॉल गिफ्ट करने का सोचा है। वाह बबीता जी, वेरी स्पोर्टी आइडिया। देखना बच्चों को ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगी। नहीं, वो तो आपकी बात बराबर है तन्ना साहब, लेकिन सब लोग आपके जैसा नसीब वाले नहीं होते ना भाई। हैं, वेकेशन की छुट्टियों में महाबलेश्वर में बैठे हैं, मौज कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखो भाई, मैंने तो चेक बना दिया, तो मेरी फर्ज आपको फोन करके बताने की। फिर आप आज मंगवाओ, कल मंगवाओ, 10 दिन बाद मंगवाओ, वो आप जानो। बोला बोला सेठ जी, आपके लिए चाय मंगवाऊं? नटू काका, बाहर इतनी काड़ झाड़ गर्मी है, लू की सूखी हवा लपकारा मार रही है, ऐसे में आपको चाय मंगवानी है? अरे सेठ जी, आपको चाय पसंद है इसलिए मैं आपके लिए चाय मंगवा रहा हूँ। बाकी मेरे लिए तो मैंने गन्ने का रस मंगवाया है। सेठ जी, मैं तो कहता हूँ आज आप भी गन्ने का रस ही पी लीजिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है मगन। हाँ सेठ जी। 3 गन्ने का जूस बोल दे। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं एक साथ 2 नहीं पी सकूंगा, मेरे लिए सिर्फ एक ही काफी है। नट्टू काका, 3 मतलब मैं, आप और मगन। सेठ जी मैं जाऊं? हाँ जा जा भाई। अरे नट्टू काका जी, ओ गेम जोन वाला अश्विन को जरा फोन करके पूछो, उसके पास वो पोर्टेबल वीडियो गेम का फीस पड़ा है। पोर्टेबल वीडियो गेम जिसमें 500 डिजिटल गेम आती है वो ना? हाँ वो 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 तो मेरे पास पड़ा है सेठ जी। आपके पास? हाँ। आप वीडियो गेम खेलते हैं? अरे नहीं 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 सेठ जी, मैं कहाँ वीडियो गेम खेलता हूँ, ये तो टप्पू सेठ का परसों दुकान में फोन आया था और इसी गेम के बारे में वो मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने मंगवा लिया। अरे वाह नटू काका, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। अरे सेठ जी, आपका काम आसान करने के लिए तो मैं इस आसन पर विराजमान हूँ। एक मिनट है, ये लीजिए सेठ जी। लाइए लाइए। वाह 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 टप्पू, ये गेम देख के खुश हो जाएगा। वैसे एक बात है नटू काका, वैकेशन शुरू होकर 15 दिन हो गए, लेकिन टप्पू की अभी तक एक भी शिकायत नहीं आई है। शर्मा जी के है 1750। कंप्यूटर पे एंट्री करते करते आंखें दर्द करने लगी है। 2 घंटे से कंप्यूटर के सामने बैठे हो, दर्द तो होगा ही ना? आओ आइकल का। हाँ। शाम को आप जरा अचार की डिलीवरी करने जाएंगे? हाँ। अभी नहीं, शाम को। पता है माधवी, अभी जरा आराम करने जा रहा हूँ मैं। हाँ। अरे देवा। उधर जा।
क्या हुआ माधवी? कसम साला है। अरे बाप रे, यो 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 यो। सत्यानाश, ये कैसे हो गया माधवी? अरे हे याचा मुळे ये बॉल बर्डी को लगा और बर्डी गिरकर फूट गई। मेरी 15 दिन की मेहनत पानी में चली गई। ये जरूर उस टप्पू की शरारत है। आज मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। टप्पू, ए क्या है ये? बॉल अंकल, दे दो ना प्लीज। ये निर्लज्ज, वो मुझे भी दिख रहा है ये बॉल है, लेकिन ये तरीका है शॉट मारने का। अरे अंकल, वो पिंकू ने एकदम फुलटा से बॉल डाला और मैंने खींच के दिया। काय टप्पू, धीरे से मारना चाहिए था बेटा। अरे बेटा का बेटा, ऐसे मारने वाला नहीं है टप्पू। तू वही रुक, आज मैं तुझे सबक सिखा के ही रहूंगा। वही रुक। सॉरी बाबा। अहो आइका टप्पू, आज भी अंकल सॉलिड गुस्से में। डोंट वरी गोली, अरे थोड़ा डांटेंगे फिर बॉल दे देंगे। आहो, आहो आइका। माधवी तू गप्पो बस। अरे ये प्रभु, नोटिस बोर्ड देखा नहीं? वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है मैंने कि दोपहर के समय में क्रिकेट और फुटबॉल खेलना मना है। पढ़ा नहीं तुमने? सॉरी पीड़ा अंकल, हम वैकेशन के टाइम पे कुछ नहीं पढ़ते, सिर्फ खेलते। ये तुम लोग क्या हंस रहे हो? टप्पू तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो? नहीं पीड़ा अंकल, आपसे जुबान नहीं लड़ा रहा हूँ, आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ कि वैकेशन के टाइम पे आपका कोई भी रूल नहीं चलेगा, टप्पू सेना का रूल चलेगा। नकल कर रहे मेरी। जाऊ दे ना, बच्चे हैं छोटे। अरे काय जाऊ दे माधवी। अरे ये आत्माराम तुकाराम भिड़ा, ये टप्पू से डरने वाला नहीं है। अरे सोसाइटी वालों, ओ सोसाइटी वालों, जरा बाहर आओ। आय करते वेट लग लेगा। तू गप्पा, अरे जरा बाहर आके देखो इस टप्पू की दादागिरी को। देखो ये 1.5 फुट का टप्पू कैसे बड़ों से जुबान लड़ा रहा है, कैसे बड़ों को उल्टे जवाब दे रहा है। देखो देखो। अरे कौन भाई, आई आई आप भी आइए। बच्चा है वो, देखिए जरा इसकी संगत में आपका गोली भी बिगड़ जाएगा। बच्चे बेटा क्या हुआ? मम्मी मैंने शॉट मारा और गलती से बॉल भीड़ अंकल के घर पे चला गया और अभी भीड़ अंकल मुझे बॉल ही नहीं दे रहे। भीड़े भाई जाने दीजिए ना, दे दीजिए बॉल, बच्चा समझ कर माफ कर दीजिए ना। हाँ भीड़े भाई। भाभी माफी उसे दी जाती है जो एक बार गलती करता है, लेकिन आपका टप्पू बार बार गलती कर रहा है। अरे इसे माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। कितनी बार बोला है कि सोसाइटी में एक नियम होता है, शिस्त होती है, लेकिन ये सुनता ही नहीं, बेशिस्त। अरे आए बटू सुन रहे, उसको दंड भरना चाहिए। ओ पिड़ू क्या हो गया यार, ये चिल्लम चाली क्यों कर रहा है? अरे यार सोड़ी। अरे चिल्ला उन्हें तो और क्या करूं सोड़ी, इस टप्पू ने ऐसा शॉट मारा कि बॉल सीधा मेरे घर के अंदर घुस गया और माधवी क्या तो जो अचार की बरनी थी वो गिरकर टूट गई। अरे कोई तरीका क्रिकेट खेलने का? जाऊ जाना, आपके चिल्लाने से मेरे अचार की बरनी थोड़ी वापस आने वाली है। हाँ यार पिडू, अब जो हो गया सो हो गया यार। फुटली तो फुटली। माधवी सवाल अचार या बरनी का नहीं, टप्पू के करनी का है। बेशिस्ता कुटला, अरे इसकी संगत में बाकी सारे बच्चे बिगड़ रहे, सोड़ी ये तेरा गोगी भी बिगड़ रहा है इसके संगत में। एकी गल कर रहे। कोमल भाभी आपका गोली भी इसके संगत में बेशिस्ता हो गया है। सोनू खबरदार, जो आगे टप्पू के साथ खेली तो। अरे मैं तो कहता हूँ कि सोसाइटी में जितने भी झगड़े होते हैं ना, उसकी जड़ ये टप्पू ही है। ए भाई भिड़े, क्या है यार है? अरे इतने दिन से तूने ये टप्पू के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की, तो मुझे लगा तुम दोनों का कुछ मांडवली हो गया होगा। मांडवली? टप्पू के साथ मेरी मांडवली? कभी आग और पानी के बीच मांडवली हुई है जेठालाल? काटे ने गोंधळ घातला नुसता। मुझे लगता है मलेरिया होता है ना, ऐसे इसको टपूरिया हो गया है।
जेठालाल एक टाइम मलेरिया होता ना तो चलता था, उसका इलाज तो है लेकिन इस टपुरिया का कोई इलाज नहीं है। अरे भाई क्या हुआ, क्या किया क्या टपू ने तो बता। अरे क्या किया क्या क्या किया, टपू ने इतने जोर से शॉट मारा कि ये बॉल सीधा मेरे घर के अंदर घुस गया और माधवी के हाथ में जो अचार की बनी थी वो गिरकर टूट गई। कितना नुकसान हुआ हमारा पता है तुम्हें? सॉरी माधवी भाभी सॉरी। हाँ नहीं नहीं जेठा भाई कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं क्या, कोई बात नहीं। हाँ नुकसान हुआ है कि नहीं? ठीक है तो मैं नुकसान भरपाई कर देता हूँ भाई। कितना हुआ? 100, 200, 500 दे देता हूँ। जेठालाल अपनी अमीरी ना अपने जेब में रखो। हाँ ऐसी दो चार हरिपति दिखाकर तुम आत्माराम तुकाराम भिड़े का सम्मान नहीं खरीद सकते। अरे सम्मान नहीं सासु भाई, हरिपति नहीं तो क्या तुझे चेक दू ड्राफ दू क्या दू? बोल ना भाई, जब जाओगे तब नियम की पेपड़ी बजाता रहता है। अरे तुम्हारे जैसे सेक्रेटरियों की वजह से आज भारत देश में दूसरा सचिन तेंदुलकर पैदा नहीं हुआ है। हाँ भिड़े भाई, और ये बेचारे बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? हाँ बराबर है, बोला अभी जवाब दो कोमल भाभी का। हाँ देता हूँ कोमल भाभी, सवाल कंपाउंड में खेलने या ना खेलने का नहीं है, सवाल है दोपहर के समय में खेलने का। अरे दोपहर का समय आराम करने का होता है, बड़े बुजुर्ग सो रहे होते हैं। ए बिल्ली मास्टर, ए भाई ए, मैं दोपहर को नहीं सोता। बाबूजी वो अपनी बात कर रहा है। जेठालाल मैं भी दोपहर को सोता नहीं हूँ। अरे भाई तो दोपहर को कौन सोता है, किसकी बात कर रहा है तू? हमारे सोसाइटी की महिला है जो दिन भर सुबह से इतना काम करती है, वो थकती है, वो दोपहर को सो जाती है। और इस तरह दोपहर को क्रिकेट खेल के हल्ला मचाना ये कहाँ का कानून है? अच्छा मतलब अभी तो बच्चे लोगों को नियम के साथ साथ कानून भी सिखाएगा? बिल्कुल सिखाना ही पड़ेगा, खासकर तुम्हारे इस टप्पू को जो हमेशा नियम और शिस्त का मजाक उड़ाता रहता है। बस बहुत हो गया बस। हाँ थैंक यू, चलो भाई चलो। एक मिनट कहाँ चलो क्या चलो? हाँ बस मतलब इस टप्पू का बहुत हो गया, बहुत सह लिया हमने। अब मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते यह ऐलान करता हूँ कि आज के बाद इस कंपाउंड में कोई भी क्रिकेट नहीं खेलेगा, नहीं खेलेगा, नहीं खेलेगा। ऐसे कैसे नहीं खेलेगा बच्चे? छोटे कोई बात नहीं मैं उसका बोलना था, अभी मैं भी बोलता हूँ। मैं जेठालाल चंपकलाल घड़ा इस सोसाइटी का रहवासी होने के नाते ऐलान करता हूँ कि टपू और सारे बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में दोपहर को क्रिकेट खेलेंगे, खेलेंगे। हेलो बच्चो, शाबाश जेठिया, मैं भी देखता हूँ किसका पाप रोकता है इनको। पाप टपू, चल 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 बैटिंग कर, बैठे चलो फील्डिंग करो। कोई नहीं लेगा, मैं बॉलिंग करता हूँ। जेठालाल तुम कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। ए बैटरी, मैं कानून को नहीं है बॉल को अपने हाथ में ले रहा हूँ। चल हट। वेस्ट इंडीज में चल रहा है 2020 क्रिकेट का वर्ल्ड कप और हमारी टीम इस वक्त देश के बाहर वहां खेल रही है, लेकिन किसे पता था कि क्रिकेट गोकुल धाम में इतने बड़े झगड़े का सबब बन जाएगा। इतना बड़ा झगड़ा सिर्फ क्रिकेट की वजह से, एक बॉल जो भिड़े के घर पे अचार के मर्दबान पे लगती है, मर्दबान टूट जाता है, भिड़े गुस्से में और आ जाते हैं कि ये क्रिकेट नहीं खेला जाना चाहिए, लेकिन जेठालाल डबल गुस्से में। अब जेठालाल भिड़े की लड़ाई और पूरी की पूरी सोसाइटी यहां मौजूद है। मुझे समझ में नहीं आता, खेल हमें एक होना सिखाता है लेकिन हम खेलों के लिए लड़ क्यों लेते हैं और अक्सर बच्चों के झगड़े में बड़े क्यों शामिल हो जाते हैं? आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपके गली मोहल्ले में बच्चे कभी किसी छोटी बात पे लड़ पड़े तो बड़े शामिल मत होइए।
खेल को खेल रहने दीजिए, लेकिन गोकुल धाम यहाँ आसानी से कभी कुछ होता है, यहाँ खेल को खेल नहीं रहने दिया जाएगा। यहाँ स्थिति अभी ऐसी है जैसे वर्ल्ड कप नहीं वर्ल्ड वॉर हो रहा हो। क्रिकेट खेले या न खेले बहुत बड़ा झगड़ा, और ये झगड़ा क्या रूप लेगा मैं नहीं जानता। इस झगड़े के अंदर क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज तय है, बहुत सारे चौके बहुत सारे छक्के हंसी के ठहाकों के इतने बरसेंगे आपके घरों में कि आप कहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज द बेस्ट। देखते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।